तो दोस्तों सुपर हीरोज की दुनिया में कुछ ऐसे भी हीरोज हैं जिन्हें अपनी पावर्स किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या फिर साइंटिफिक मिस्टेक की वजह से मिली है। और इस कैटेगरी में कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन ये सबसे फेमस कैरेक्टर्स हैं। पर बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है, इसीलिए आज हम कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऑसम ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है नॉक्स लकी वॉलपेपर। इस ऐप में कमाल के HD वॉलपेपर्स अवेलेबल है जिन्हें आप अपने फोन की होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं। इस ऐप में कई सारी कैटेगरीज के लाखों वॉलपेपर्स अवेलेबल है। यहाँ पर आपको काफी सारे लाइव वॉलपेपर्स भी मिल जाते हैं और आप यहाँ अपनी फेवरेट वीडियो को इम्पोर्ट करके उसे भी लाइव वॉलपेपर बना सकते हैं। ये ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही जगह अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका और पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन ये दोनों ही फिजिकली एनहांस सुपर हीरोज है, पर इन दोनों को पावर्स मिलने की प्रोसेस बिल्कुल अलग है, इसीलिए इनकी शक्तियां भी काफी अलग है। कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन का कंपैरिजन शुरू करने से पहले आइए इन दोनों की पावर्स जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की। स्टीव रॉजर्स जो कि एक दुबला पतला बीमार लड़का था, उसे सुपर सोल्जर सीरम से इस कदर ताकत मिली जिसकी कोई हद नहीं। सुपर सोल्जर सीरम से स्टीव की बॉडी हर तरह से एनहांस हुई है। पहले उसे कई सारी बीमारियां थी लेकिन सुपर सोल्जर बनने के बाद उसकी सभी बीमारियां खत्म हो गई। स्टीव की बॉडी किसी ओलंपिक एथलीट से भी ज्यादा अच्छी बन चुकी है। सुपर सोल्जर सीरम ने उसकी बॉडी को लाइफ टाइम के लिए परफेक्ट बना दिया है। अगर वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करे तो भी उसकी बॉडी जैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन फिर भी कैप्टन ने अच्छी डाइट और एक्सरसाइज कभी बंद नहीं की। कैप्टन अमेरिका के पास एनहांस स्ट्रेंथ है, वो कई सारे ताकतवर लोगों को आसानी से हरा सकता है। कैप्टन ने विंटर सोल्जर को भी संभाल लिया था जबकि उसके पास एक लोहे का हाथ था। कैप्टन ने आयरन मैन तक को अच्छी टक्कर दी है। उसने न सिर्फ चित्तौरी आर्मी और अल्ट्रॉन की धुलाई की बल्कि वो थैनोस जैसे खतरनाक एलियन से भी लड़ चुका है। कैप्टन अपनी ताकत से मजबूत दीवारों को तोड़ सकता है, लात मार के ट्रक हिला सकता है और हेलीकॉप्टर को भी उड़ने से रोक सकता है। कैप्टन के पास एनहांस ड्यूरेबिलिटी है, उसकी मसल्स और बोन्स बहुत स्ट्रांग है। 30 माले की बिल्डिंग से कूदने पर भी उसे कुछ नहीं हुआ था। कैप्टन जोरदार बिजली के झटकों को भी बर्दाश्त कर सकता है और बड़े से बड़े धमाके झेल सकता है। कैप्टन का स्टैमिना बहुत जबरदस्त है, वो घंटों तक लड़ाई कर सकता है और काफी देर तक पानी में सांस रोक सकता है। एनहांस स्पीड, कैप्टन की रफ्तार बहुत तेज है। जहां आम लोग थक जाते हैं वहां कैप्टन की दौड़ शुरू होती है। वो किसी गाड़ी से रेस लगा के उसे हरा सकता है। इसके अलावा कैप्टन के एक्शंस भी बहुत फास्ट है। उसे गोलियों से बचना अच्छी तरह आता है और वो काफी स्पीड में अपने दुश्मनों पर वार करता है। एनहांस्ड हीलिंग पावर, स्टीव की बॉडी चोट लगने पर भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अगर वो बहुत ज्यादा भी घायल हो जाए तो भी वो कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाता है। कैप्टन लगभग 70 साल तक बर्फ में जमा था लेकिन वो फिर भी जिंदा बचा रहा। उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उसे कोई बीमारी या इन्फेक्शन नहीं हो सकता और जहर भी उस पर असर नहीं करता। एनहांस इंटेलिजेंस, सुपर सोल्जर सीरम से स्टीव की दिमाग की क्षमता भी बहुत बढ़ गई है। वो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन को आसानी से प्रोसेस कर सकता है और काफी अच्छे प्लान बना सकता है। उसकी याददाश्त बहुत तेज है। कैप्टन की देखने और सुनने की शक्ति भी दूसरों के मुकाबले बहुत अच्छी है। इसके अलावा कैप्टन अपनी शील्ड का इस्तेमाल करने में बहुत एक्सपर्ट है और वो दूसरे हथियार भी अच्छी तरह चला सकता है। ये सब तो है कैप्टन अमेरिका की बात। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन की पावर्स के बारे में। एक म्यूटेंट स्पाइडर के काटने की वजह से पीटर पार्कर के अंदर उसी स्पाइडर की जैसी पावर्स आ गई। जहां पीटर पहले एक नॉर्मल बच्चा था, वहीं अब वो एक सुपर ह्यूमन बन चुका है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। उसने एक स्पीड में आती हुई कार को, जिसका वजन 1500 किलो था, उसे आसानी से रोक दिया था। वो कई तरह की भारी चीजें आराम से उठा सकता है। वल्चर ने उसके ऊपर एक बिल्डिंग की छत गिरा दी थी लेकिन पीटर ने अकेले ही उसे अपने ऊपर से हटा दिया। पीटर ने किसी भी तरह की फाइटिंग ट्रेनिंग नहीं ली है, इसके बावजूद भी उसने अपनी पहली लड़ाई में सबको अच्छी टक्कर दी थी। उसने बकी के खतरनाक पंच को आसानी से रोक लिया। सैम और बकी जैसे अच्छे फाइटर्स को उसने मजाक मजाक में ही हरा दिया। पीटर ने एक टूटते हुए शिप को अकेले ही पकड़ के रखा था। सुपर ह्यूमन एजिलिटी, पीटर बिल्कुल एक स्पाइडर की तरह एजाइल यानी फुर्तीला है। वो इस तरह के मूवमेंट्स कर सकता है जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। वो काफी ऊंची और लंबी छलांग मार सकता है और वेब स्ट्रिंग्स पर आसानी से चल सकता है। अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके पीटर ने थैनोस को कई बार जादुई लात मारी और मिस्टीरियो के बहुत सारे ड्रोन्स तबाह कर दिए। वो वेब स्विंगिंग करके काफी स्पीड में पूरे शहर का चक्कर मार सकता है और साथ में सेल्फी भी ले सकता है। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, स्पाइडरमैन की बॉडी हर तरह के फोर्स और इम्पैक्ट को झेल सकती है। उसकी बोन्स में इलास्टिक स्ट्रेंथ है। ऊंचाई से नीचे गिरने पर भी उसकी हड्डियां नहीं टूटती। वो काफी बुरे हालात में भी टिका रहता है। उसे एक ट्रेन ने हिट किया था तो भी उसे कुछ नहीं हुआ। कई तरह के हाईटेक हथियारों की मार को भी वो सहन कर लेता है। वॉल क्रॉलिंग, ये स्पाइडरमैन की सबसे बेसिक और सबसे यूजफुल पावर है।
पीटर बिना किसी स्टिकी ग्लव्स के कहीं पर भी चिपक सकता है और दीवारों पर चल सकता है। ये एबिलिटी उसके मर्जी के मुताबिक काम करती है। पीटर अपने दिमाग से अपनी बॉडी की किसी भी पार्ट को अधेसिव बना सकता है। रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। स्पाइडरमैन का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है। वो कितना भी घायल क्यों ना हो, फिर भी वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। वल्चर से लड़ने के बाद पीटर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था, लेकिन वो कुछ ही घंटों बाद नॉर्मल हो गया। ऐसे ही एवेंजर्स एंडगेम के फाइनल बैटल के बाद भी वो बहुत जल्दी ठीक हो गया। स्पाइडर सेंस। ये स्पाइडरमैन की सबसे खास पावर है। इसकी वजह से पीटर को आने वाले खतरे का पहले से ही अंदाजा हो जाता है। ये एक तरह का सिक्स सेंस है, जिससे स्पाइडरमैन को अपने आसपास के छोटे से छोटे मूवमेंट का पता चल जाता है। अगर पीटर फोकस करे तो उसका स्पाइडर सेंस कई गुना बढ़ जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि मिस्टीरियो के इनविजिबल ड्रोन्स को पीटर ने आग बंद करके तबाह किया था। इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस ने चुटकी बजाई, तब स्पाइडर सेंस की वजह से पीटर को पहले ही समझ में आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। इस सब के अलावा पीटर का दिमाग भी बहुत तेज है। वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत एक्सपर्ट है, जिसका यूज करके उसने खुद अपने वेब शूटर्स डिजाइन किए थे। यहाँ तक कि बाद में उसने स्टार्क टेक्नोलॉजी का यूज करके कस्टमाइज स्पाइडरमैन सूट तैयार किया। ये सब तो ही स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका की पावर्स की बात। चलिए अब ये जानते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। शायद आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सुपर सोल्जर सीरम ने स्टीव रॉजर्स की बॉडी को एनहांस किया है, लेकिन वो सीरम किसी को भी इंसानी लेवल पर ही पावरफुल बना सकता है। मतलब कैप्टन अमेरिका आम इंसान से तो बहुत ताकतवर है, लेकिन वो खास शक्ति वाले लोगों से पीछे है। दूसरी तरफ पीटर पार्कर एक म्यूटेंट स्पाइडर के काटने की वजह से म्यूटेंट बन चुका है, मतलब वो एक सुपर ह्यूमन है। स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ किसी ताकतवर इंसान के मुकाबले भी बहुत ज्यादा है। जहाँ कैप्टन अमेरिका एक कार को उठा सकता है, वहीं स्पाइडरमैन एक कार को उठाकर दूर तक फेंक सकता है। कैप्टन को बकी से लड़ाई करने और उसे काबू करने में बहुत मेहनत लगी थी, लेकिन स्पाइडरमैन ने बकी और सैम दोनों को ही बहुत आसानी से हरा दिया। अगर स्टीव रॉजर्स आम इंसान से 4 गुना ताकतवर है, तो पीटर आम इंसान से 8 से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना के मामले में स्पाइडरमैन और कैप्टन लगभग सेम है, पर स्पीड के मामले में स्पाइडरमैन बहुत आगे है। पीटर ने अपनी रफ्तार से स्टार्क इंडस्ट्रीज के कई सारे ड्रोन्स को तबाह कर दिया था। कैप्टन ऊपर से तो नीचे कूद सकता है, लेकिन वो नीचे से ऊपर नहीं कूद सकता, पर स्पाइडरमैन काफी ऊंची छलांग लगा सकता है। इसके अलावा स्पाइडरमैन दीवारों पर भी चल सकता है और वो कमाल की वेब स्विंगिंग कर सकता है, पर कैप्टन के पास ना तो वॉल क्रॉलिंग एबिलिटी है और ना ही उसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। स्पाइडरमैन की हीलिंग पावर भी कैप्टन से बहुत ज्यादा है। छोटी मोटी चोट से तो कैप्टन जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन ज्यादा घायल होने पर उसे ठीक होने में कुछ दिन लग जाते हैं। पर स्पाइडरमैन कितना भी जख्मी क्यों ना हो, वो कुछ ही घंटों में पूरी तरह ठीक हो जाता है और उस पर एक खरोच का निशान तक नहीं रहता। स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही ऐसी फील्ड है जिसमें स्पाइडरमैन अभी कैप्टन अमेरिका से बहुत पीछे है, और वो है कैप्टन का एक्सपीरियंस। स्टीव रॉजर्स ने आज तक बहुत सारी जंग लड़ी है और उसने काफी ट्रेनिंग भी की है। कैप्टन कई तरह की फाइटिंग स्किल्स में एक्सपर्ट है। वो अपनी स्ट्रेटेजी से किसी को भी अच्छी टक्कर दे सकता है। दूसरी तरफ अपना स्पाइडी अभी बच्चा है, ना तो उसने ज्यादा जंग देखी है और ना ही उसे कोई स्पेशल फाइटिंग स्किल्स आती है, इसीलिए कैप्टन अपने एक्सपीरियंस की वजह से स्पाइडरमैन से निपट सकता है। ओवरऑल सभी पॉइंट्स को कंपेयर करने पर हमें ये समझ में आता है कि पावर्स के मामले में स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका से बहुत आगे है, पर एक्सपीरियंस और फाइटिंग स्किल्स में स्पाइडरमैन कैप्टन से पीछे है। लेकिन स्पाइडरमैन का सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है, आगे जाकर वो हर चीज में पूरी तरह एक्सपर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका का एक कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.